गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी विल स्टडी द अस्थि धातु। तो अस्थि धातु व्हेन द क्वेश्चन विल कम, लॉन्ग क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम फॉर 10 मार्क्स, है ना। तो स्टार्टिंग यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम उत्पत्ति। तो उत्पत्ति ऑफ अस्थि धातु, मेदस्तत्व अस्थि प्रजायते, इट मीन्स फ्रॉम द अस्थि मेद धातु द अस्थि धातु इज ओरिजिनेटेड। मेद सो अस्थि जायते, दिस इज द अनदर श्लोक बाय द सुश्रुत। अकॉर्डिंग टू दिस द सेम मीनिंग फ्रॉम द मेद धातु द फॉर्मेशन ऑफ अस्थि धातु अकर्स। देयर इज अ श्लोक बाय द चरक चिकित्सा स्थान, पृथ्वी अग्नि अनिलादि नाम संघात स्व ऊष्मणा कृता खरत्वम प्रकृत्यस जायते अस्थि तत् नृणाम। व्हाट डू यू मीन? द मीनिंग ऑफ दिस, पृथ्वी अग्नि अनिलादि नाम मीन्स पृथ्वी महाभूत, अग्नि महाभूत एंड अनिल महाभूत, संघात स्व ऊष्मणा कृता, मतलब इनका संघात होता है, इनको अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेता है। स्व ऊष्मणा कृता, अपनी ही ऊष्मा से, कौन किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेद की। तो जो मेद धातु है वो अपनी ही ऊष्मा से पृथ्वी अग्नि और अनिल महाभूत का संघात कर लेता है। खरत्वम प्रकृत्यस्य जायते अस्थि तत्व निर्णाम। खरत्वम, और जब वो पृथ्वी अग्नि और अनिल महाभूत का संघात कर लेता है तो वो एक रफ हार्ट, खरत्वम प्रकृत्यस्य, उसकी वजह से एक रफ एंड हार्ड मैटर जो है वो जनरेट हो जाता है मेद धातु में, उसी को हम अस्थि कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, 2 मार्क्स में आ जाएगा अस्थि की उत्पत्ति। तो आपको क्या लिखना है, मेदस्तत्व अस्थि पर जाए थे, मतलब मेद धातु से अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है, या मेदसो अस्थि जाए थे, मेद धातु से अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है। और अगर आपको ये श्लोक आता है तो बहुत अच्छी बात है, 2 में से 2 फुल मार्क्स मिलेंगे। श्लोक क्या कहता है, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। पृथ्वी अग्नि अनिलादि नाम संघात स्व ऊष्मणा कृता खरत्वम प्रकृत्यस जायते अस्थि ततो निर्णाम। इट मीन्स पृथ्वी अग्नि अनिलादि नाम, मतलब पृथ्वी महाभूत, अग्नि महाभूत और अनिल महाभूत, संघात स्व ऊष्मणा कृता, इनका संघात करते हैं, कौन करते हैं, मेद धातु, किसकी ऊष्मा से, अपनी ही ऊष्मा से, खरत्वम प्रकृत्यस जायते अस्थि ततो निर्णाम। तो संघात करने की वजह से जो मेद धातु स्निग्ध होती है, स्टेट ऑफ स्निग्धता, मेद धातु में खरता, खरता डेवलप हो जाती है, दैट इज खरत्वम प्रकृत्यस्य जायते अस्थि तत्वनिर्णाम। और इस प्रकार अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है। अस्थियों की संख्या, तो देयर इज ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में आ जाएगा, एनाटॉमी में भी इम्पोर्टेंट है, फिजियोलॉजी में भी इम्पोर्टेंट है। अस्थियों की नंबर्स, तो अस्थियों की जो नंबर्स है, अस्थियों की नंबर्स आयुर्वेद में अस्थियों के संख्या के संदर्भ में विभिन्न नंबर्स बताए गए हैं। आचार्य चरक के हिसाब से अस्थियों की नंबर 360 है, आचार्य सुश्रुत के हिसाब से अस्थियों की नंबर 300 है, और मॉडर्न साइंस के हिसाब से अस्थियों की नंबर 206 है। व्हाई द डिफरेंस अकर्स, डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि अस्थि धातुओं ने, वो आचार्य चरक ने दंत और नख की तुलना भी अस्थियों से की गई है। आचार्य चरक के हिसाब से दांत और नाक भी एक तरह की हड्डियां हैं, लेकिन सुश्रुत ने दंत और नख को हड्डियां नहीं माना है, इसलिए नंबर्स उनकी कम है। मॉडर्न के हिसाब से विभिन्न तरह के जो कार्टिलेज हैं उनको भी सुश्रुत ने कंपेयर कर लिया है, इसलिए उनके हिसाब से नंबर जो है 300 है, लेकिन मॉडर्न साइंस के हिसाब से जो नंबर है दैट इज 206। नेक्स्ट वी विल सी द टाइप्स ऑफ बोन्स। तो हड्डियाँ आयुर्वेद के हिसाब से 5 प्रकार की होती हैं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम सारे बच्चों को आता है। श्लोक क्या कहता है, एतानी पंचविधानी भवंती, एतानी पंचविधानी भवंती, ये 5 प्रकार की होती है। तद्यथा कपाल रुचक तरुण वलय नलक संज्ञानी, कौन कौन सी, कपाल रुचक तरुण वलय और नलक। तो एतानी पंचविधानी भवंती, ये 5 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, कपाल रुचक तरुण वलय और नलक। अब कौन कौन सी हड्डियों का टाइप्स कहाँ कहाँ रहता है, तो पहला वाला हम पढ़ेंगे कपाल। तो तेषां जानु नितंब अंश गंड तालु संख सिर शु कपालानी। तो तेषां मतलब कहाँ पे पाई जाती है, जानु मतलब आपकी पटेला, नितंब, नितंब मतलब आपकी हिपबोन, अंश आपकी स्कैपुला, गंड जाइगोमेटिक आर्च, तालु पैलेट बोन, संख टेम्पोरल रीजन, सिर शु कपालानी, और आपकी जो स्कल की जो बोन्स हैं, ये जो हड्डियाँ हैं इनको हम कपाल अस्थियों में गिनते हैं, या इनको कपाल अस्थियाँ कहा गया है। दसनास्तु रुचकानी, तो जो रुचक है, रुचक रुचक मतलब नमक, तो रुचक अस्थियाँ जो है, था ना उसमें,
कपाल रुचक, तो सेकंड टर्म था रुचक, तो दसनास्तु रुचकानी, तो दस दसन है आपके जो टीथ हैं जो नमक की डेला जैसे दिखते हैं, दैट इज रुचकानी, नमक का डेला, या फिर आप कह सकते हैं अनार का दाना, रुचक, तो दसनास्तु रुचकानी, तो जो आपके टीथ हैं उनकी कंपेयर जो है वो रुचक अस्थि से की गई है। तो अस्थियों की नंबर कितनी होती है? अस्थियों की नंबर 360, 300 एंड 206, ठीक है। अस्थियों के टाइप, अस्थियां 5 प्रकार की होती है, कपाल, रुचक, तरुण, वलय और नलक। कपाल अस्थि कौन सी है? कपाल अस्थि जानु, नितंब, अंश, गंड, तालु, शंख, सिर। जानु, नितंब, अंश, गंड, तालु, शंख, सिर, यहाँ की जो हड्डी है वो कपाल अस्थि है। रुचक अस्थि कौन सी है? दसनास्तु रुचकानी, जो आपके टीथ की हड्डियां हैं वो रुचक अस्थि है। नेक्स्ट जो कपालअस्थि हो गया, रुचक अस्थि हो गया, उसके बाद आया तरुण, वलय, नलक। तरुण के बारे में क्या बोला गया है? तरुण के बारे में बोला गया है घ्राण, कर्ण, ग्रीवा, अच्छी कोशेशु। घ्राण, कर्ण, ग्रीवा, अच्छी कोशेशु, तो घ्राण मतलब नेजल, कर्ण मतलब आई की, ग्रीवा मतलब नेक, और अच्छी कोशेशु मतलब ऑर्बिट, अच्छी कोश, दैट इज ऑर्बिट। तो यहाँ की जो हड्डियाँ हैं वो तरुणाणी है, मतलब घ्राण की नेजल बोन्स, कर्ण ईयर की बोन, ग्रीवा आपके नेक की बोन, और अच्छी कोश मतलब ऑर्बिटल, आई ऑर्बिट जो है, तो यहाँ की जो बोन्स है वो तरुण अस्थियाँ हैं। वलय अस्थि किसके बारे में बोला गया है? इनके बारे में बोला गया है पार्श्व पृष्ठ उर सुवलयानी। तो पार्श, पार्श मतलब लैटरल रीजन, पृष्ठ पृष्ठ मतलब बैक, आपका जो बैक वाला पोर्शन है, और मतलब थोरेक्स, तो आपके साइड की बोन्स, आपके बैक की बोन और आपके थोरेक्स रीजन की बोन्स, तो इनकी जो संख्या है इनको वलय अस्थि कहा गया है। तो आचार्य सुश्रुत के हिसाब से अस्थियाँ 5 प्रकार की होती हैं, कपाल, रुचक, तरुण, वलय और नलक। तो जो वलय अस्थियाँ हैं वो कौन है? पाश, प्रस्थ, उर, सु, वलयानी। पाश मतलब साइड, प्रस्थ मतलब बैक, उर मतलब थोरेक्स, तो आपके साइड रीजन की बोन, आपके बैक की बोन और आपके थोरेक्स रीजन की बोन, ये जो बोन्स है इनको आपने वलय अस्थि कहा गया है। शेषाणि नलक संज्ञानी, इसके अलावा आपकी बॉडी में जितनी भी बोन्स दिखती हैं उनको हम नलक संज्ञा कहते हैं, नलक संज्ञा दी गई है। तो एक एक 5 मार्क्स का एक पेट क्वेश्चन है, नंबर्स ऑफ बोन्स एंड टाइप्स ऑफ बोन्स। नंबर ऑफ बोन 360 अकॉर्डिंग टू चरक, 300 अकॉर्डिंग टू सुश्रुत और 206 अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस। बोन्स के टाइप्स, बोन्स 5 प्रकार की होती हैं, एतानी पंचविधानी भवंती, कपाल, रुचक, तरुण, वलय और नलक संज्ञानी भवंती। तो कपाल अस्थि, कपाल कौन सी है? जानु, नितंब, अंश, गण, तालु, शंख, सिरसु, कपुल, कपालानी। दसनास्तु रुचकानी, जो आपकी टीथ है उनकी संख्या आपको रुचक अस्थि से कहा गया है। रुचक का एक्चुअल मीनिंग क्या है? रुचक का मतलब अनार का दाना भी है, रुचक का मतलब नमक, डेले वाला नमक, रुचक का मतलब उससे भी लिया गया है। तरुण अस्थि कौन सी है? घ्राण, कर्ण, ग्रीवा, अच्छी कोशेशु, तरुणाणी। घ्राण, घ्राण मतलब नाक की बोन, कर्ण मतलब कानों की बोन, ग्रीवा मतलब नेक की बोन, अच्छी कोश मतलब हाई ऑर्बिट रीजन्स की बोन, यहाँ की जो बोन्स हैं इनको तरुणास्थि कहा गया है। पाश प्रस्थ उरसु बलयानी, तो पाश, पाश मतलब साइड रीजन, प्रस्थ मतलब बैक रीजन, उर मतलब थोरेक्स रीजन, तो पाश प्रस्थ और उर की जो हड्डियाँ हैं इनको बलयास्थि कहा गया है। शेषाणी नलक संज्ञानी भवंती, इस सब के अलावा और जितनी भी बोन्स आपकी बॉडी में पाई जाती हैं उन सब की तुलना नलक अस्थियों से, या उनको नलक संज्ञा दी गई है। तो ये क्वेश्चन फिजियोलॉजी में 20% चांस है, लेकिन एनाटॉमी में 80% चांस है कि अस्थियों के प्रकार आए, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इन केस जैसे मैंने बोला था कि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसमें तो आपको लिखना ही है 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज शेयर कर रहा हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस ईयर इन 2020 तक पेपर केम मेरे सार पुरुष, हो सकता है इस साल अस्थि सार पुरुष आ जाए। जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि कोई भी एक धातु का लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है 20 नंबर का,
अगर वो धातु का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसमें के शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे उस धातु का कर्म, उस धातु की क्षय, उस धातु की वृद्धि और उस धातु का सार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सपोज रस धातु लॉन्ग क्वेश्चन में आ गई, तो रस सार के आने के चांसेस बहुत रेयर हैं, क्योंकि रस, रक्त और शुक्र ये जनरली लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। रस, रक्त और शुक्र धातु लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो अस्थि धातु जो है वो उसके सार आने के, अस्थि, मेद, मज्जा, इनके सार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इस सार पेपर में मेद सार आया है, तो हो सकता है कि आप लोगों के टाइम में अस्थि सार आ जाए। तो मैं इसे श्लोक को ध्यान से पढ़ता हूँ, इसको आपको समझना है पहले, ठीक है। पाशनी गुल्फ जानु, पाशनी गुल्फ जानु, अरतनी जत्रु चिवुक शिरा, पर्व स्थूला, स्थूल अस्थि नख, दंता च अस्थि सारा, ते महोत्साह, क्रियावंता क्लेशः, सार अस्थि सारा, भवंती आयुष्मंतश्च। तो व्हाट डू यू मीन? तो पाशनी, पाशनी का मतलब क्या होता है? पाशनी का मतलब होता है एडी, आपके पैर, हील, हील रीजन, पाशनी मतलब हील रीजन। गुल्फ, गुल्फ का मतलब एंकल रीजन। जानू, जानू का मतलब आपका नी रीजन। अरतनी, अरतनी का मतलब मुष्टि प्रदेश। जत्रु, जत्रु का मतलब जत्रु का अस्थि, क्लेविकल को बोलते हैं ना, जत्रु का अस्थि, जत्रु। चिबुक, चिबुक का मतलब चीक की बोन्स। शिरा, सिर मतलब सिर की रीजन, सिर की बोन्स। पर्व स्थूला, और यहाँ के जो स्मॉल जॉइंट्स हैं वो भी स्थूल होते हैं। स्थूल अस्थि, जो आपकी बॉडी की जो बोन्स हैं वो बड़ी बड़ी होंगी, डिमार्केटेड होंगी। स्थूल नख, उस व्यक्ति के जो नेल्स हैं वो बड़े बड़े होंगे। स्थूल दंत, उसके जो दांत हैं वो बड़े बड़े होंगे। च अस्थि सारा, ऐसे जो पुरुष हैं उनको अस्थिसार पुरुष कहा गया है। तो पॉइंट हमें तो अपने दिमाग में क्या रखना है, ये जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अस्थिसार पुरुष हैं, उनकी अस्थियां स्थूल होती हैं, उनके नख स्थूल होते हैं और उनके दांत स्थूल होते हैं, मतलब उनकी बॉडी के जो बोन्स हैं वो प्रोमिनेंट एंड डिमार्केटेड। स्थूल का मतलब क्या है? प्रोमिनेंट एंड डिमार्केटेड। तो उन व्यक्तियों की बोन्स जो है प्रोमिनेंट एंड डिमार्केटेड होंगी, उन व्यक्तियों के टीथ जो है वो प्रोमिनेंट एंड डिमार्केटेड होंगे, उन व्यक्तियों के नेल्स जो है वो प्रोमिनेंट एंड डिमार्केटेड होंगे। तो जब हम बोल रहे हैं कि उनकी बोन्स डिमार्केटेड हैं, उनके नेल्स डिमार्केटेड हैं और उन व्यक्तियों के टीथ डिमार्केटेड हैं, तो समवन विल आस्क कि कौन कौन सी बोन्स हैं जो उसकी बॉडी में प्रोमिनेंट एंड डिमार्केटेड है। तो श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है पाशनी, पाशनी मीन्स हील रीजन। गुल्फ, गुल्फ का मतलब एंकल रीजन। जानू, जानू का मतलब नी रीजन। जत्रु, जत्रु का मतलब क्लेविकल रीजन। चिबुक, चिबुक का मतलब चीक रीजन। शिर, सिर का मतलब हेड एंड सेफेलिक रीजन। तो ये जो बोन्स हैं, इनके अलावा जो बॉडी में जॉइंट्स हैं, जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो प्रोमिनेंट और डिमार्केटेड होते हैं। ते महोत्साह, क्रियावंता, क्लेशः, सार अस्थि शरीरा, भवन्ति आयुष्मन्तश्च। तो महोत्साह, व्हाट डू यू मीन बाय द महोत्साह? तो महोत्साह मतलब दे आर एक्साइटेड, मतलब कोई भी काम करने के लिए उनमें उत्साह बहुत ज़्यादा होता है। क्रियावंता, क्रियावंता मीन्स व्हाट? क्रिया मीन्स दे आर द वेरी वेरी एक्टिव पीपल। क्लेशः मतलब टॉलरेंस टूवर्ड्स द, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उस लड़ाई झगड़े को टॉलरेट करने वाले व्यक्ति। सार अस्थि शरीरा भवंत आयुष्मंतश्च। तो ये जो क्वालिटीज हैं कौन कौन सी? महा उत्साही, कोई भी काम करने के लिए तत्पर, महा उत्साही, ईगर टू डू एनी वर्क एनी टाइम्स, महा उत्साही। क्रियावंता, क्रियावंता मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव। क्लेशः, तो क्लेशः मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा आसानी से सहन करने वाले। तो ये जो क्वालिटीज हैं कौन कौन सी क्वालिटीज? तीन क्वालिटी हैं, एक महा उत्साह, एक क्रियावंता और एक क्लेशः। महा उत्साह मतलब एक्साइटेड, क्रियावंता मतलब एक्टिव और क्लेशः मतलब लड़ाई झगड़ा टॉलरेट करने वाले। तो महा उत्साह, क्रियावंता और क्लेशः। सार अस्थि शरीरा भवन्ति आयुष्मन्तश्च। तो ये जो व्यक्ति हैं जो अस्थि सार पुरुष हैं, ये महा उत्साही होते हैं, क्रियावान होते हैं और क्लेशः होते हैं। तो दिस इज द श्लोक। जब भी कभी कोई भी सार आएगा तो आपको कैसे स्टार्टिंग कैसे करनी है कि सार शब्द का मतलब क्या है? कि सार शब्द का अर्थ धातु सार से लिया गया है। धातु सार मतलब इसेंस ऑफ धातु, इसेंस ऑफ धातु मतलब आपकी बॉडी में जो बेस्ट परफॉर्म धातु है, दैट इज द इसेंस ऑफ धातु, दैट इज धातु सार। धातु सार क्यों एग्जामिन है, हम क्यों पढ़ते हैं? जिस प्रकार दोषों की परीक्षा प्रकृति के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार धातु की परीक्षा सार की सहायता से की जाती
है। सार 8 प्रकार के होते हैं, तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, सूक्ष्म और सत्व सार। तो उनमें से जो पांचवा सार है वो अस्थि सार है, जिसका डिस्क्रिप्शन हम निम्नवत कर रहे हैं। तो आचार्य चरक के हिसाब से पाशनी, गुल्फ, जानु, अरतनी, जत्रु, चिबुक, शिरा, पर्व, स्थूला। तो ये जो मैंने जॉइंट्स बताए, चाहे मैंने हील बोला, चाहे मैंने एंकल बोला, चाहे मैंने नी बोला, चाहे मैंने अरतनी बोला, चाहे मैंने क्लेविकल बोला, चाहे मैंने चीक बोला, और सिर की जो बोन्स हैं, इनके अलावा जो आपकी बॉडी में जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं? स्थूल, स्थूल मतलब प्रोमिनेंट एंड इनलार्ज, डिमार्केटेड। इसके अलावा व्यक्ति की बोन्स, जनरलाइज बोन्स की बात करें तो जनरलाइज बोन्स, जनरलाइज टीथ एंड जनरलाइज नेल्स, ये सब प्रोमिनेंट एंड डिमार्केटेड होते हैं। उसका जो मेंटल फीचर्स कैसे होंगे? महाउत्साह, महाउत्साह मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एवरी वर्क, क्रियावंता बहुत ज़्यादा एक्टिव, और क्लेश सहा इंटॉलरेंस टूवर्ड्स द इंड्योरेंस मतलब लड़ाई झगड़े के लिए हमेशा टॉलरेट करने वाले, लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़ा हो गया मतलब तो वो उस चीज़ को एक बड़ी बात समझ के नहीं लेंगे, दे विल जस्ट इग्नोर इट। तो लड़ाई झगड़े को आसानी से टॉलरेट करने वाले, तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द अस्थिसार पुरुष। ठीक है, तो मैंने आज क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया अस्थि धातु की उत्पत्ति। तो अस्थि धातु की उत्पत्ति का जो श्लोक है, पृथ्वी अग्नि अनिलादि नाम संघात स्वाऊष्मणा कृता खरत्वम प्रकृतिस जायते अस्थि तत्व निर्णाम। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया? उसके बाद मैंने पढ़ाया बोन्स नंबर्स एंड टाइप्स 360, 300 एंड 206। उसके बाद टाइप्स कपाल, लुचक, तरुण वाले और नलक संज्ञानी। उसके अलावा इसके कपाल वाली कौन सी है? तो अंश, नितंब, जानु, अंशगण, संख, तालु, शीर्षु, कपालानी, दशनास्तु, रुचगानी, पास, पृष्ठ, उरसु, वलयानी और शेषाणी, नलक संज्ञानी। उसके अलावा मैंने क्या पढ़ाया? उसके बाद मैंने पढ़ाया कि अस्थिसार पुरुष, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल का पैट क्वेश्चन है 5 मार्क्स में। तो लिखना कैसे? पाशनी, एक टर्म जो एग्जाम में श्लोक में भूल जाओगे, जनरली जब मैं छोटा था मैं भी भूल जा रहा था, पाशनी, पाशनी मतलब एड़ी, एड़ी मतलब हील, तो पाशनी, पाशनी, तो पाशनी के बाद तो याद रहेगा गुल्फ है, पहले एड़ी स्टार्ट हुई, उसके ऊपर एंकल हो गया, उसके ऊपर जानू हो गई, फिर अरतनी, फिर जत्रु, क्लेविकल, फिर चुबुक, चीक, फिर उसके बाद सिर, सिर मतलब हेड, तो पर्व, पर्व मतलब स्मॉल ज्वाइंट, ये सब कैसे होते हैं? स्थूल होते हैं। इसके अलावा हड्डियाँ, दांत और नाक, तो स्थूल अस्थि, नख सारा, और वो व्यक्ति कैसे होते हैं? महाउत्साही, ते महोत्साह, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, क्रियावंता, इंटॉलरेंस टूवर्ड्स द एंड्योरेंस दैट इज द क्लेश सहा, सार अस्थि सारा भवंति आयुष्मंतश्च, और आयुष्मंतश मतलब लाइफ लॉन्गेविटी, उनकी जो लाइफ है, उनकी जो लाइफ लॉन्गेविटी है वो ज़्यादा होती है। तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अस्थि सार पुरुष। आई होप समझ आया, समझ आया। यस सर, यस सर।